हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुरेंद्र। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं दूसरी प्रश्नोत्तरी, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए तथा महिलाओं द्वारा सिद्धांत किससे संबंधित है। दोस्तों, इस प्रकार एक लोकतंत्र में भी कहा जाता है कि जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। तो इसमें सही जवाब क्या है दोस्तों, पहला है महिला सहकारिता, दूसरा है महिला शिक्षा, तीसरा है महिला नवजागृति, चौथा है मनरेगा। तो दोस्तों आंसर क्या होगा जी, सोच लिया होगा आपने। चलो मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है महिला सहकारिता। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहां स्थापित की। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहां स्थापित हुई थी जी दोस्तों, केकड़ी, दूसरा है बिनाई, तीसरा है बिलाड़ा, चौथा है रावला। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में और इसका सही आंसर है जी बिनाई। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आप कमेंट करना। तीसरा, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पास किया गया। जी बिल्कुल, ये नरेगा के बारे में बात कर रहे हैं जिसको 2009 में महात्मा गांधी आगे जोड़ दिया तो मनरेगा कर दिया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, सोच लिया कोई से आपने, अब मैं बता देता हूं इसका सही आंसर है 2005। जिसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है कन्या वध सबसे पहले कौन सी रियासत में प्रतिबंधित किया गया। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, साबू काको सजकर उड़ो, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। फिर भी मैं बता देता हूं, साबू स से मतलब सती प्रथा, कहां लगाया था उस पर प्रतिबंध, बूंदी में। काको से यानी कन्या वध, कहां लगाया था उस पर प्रतिबंध, कोटा में। और फिर समाधि जो प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगाया था जयपुर में। उड़ा मतलब डाकन प्रथा में प्रतिबंध लगाया था दोस्तों उदयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या है जी, बिल्कुल कोटा में। पांचवा क्वेश्चन है विवाह से संबंधित रस्म है। तो इसके चार आंसर कौन कौन से हैं, काकन डोरडा, परावणी, ब्री पड़ला, सभी। दोस्तों वैसे तो सभी ने आंसर दे दिया होगा इसका, वो दीजिए, क्योंकि काकर डोरडा, पैरावनी, बरी पड़ला, ये सब क्या है, विवाह की रस्में हैं। तो इसका सही आंसर है सभी। जिसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है केरी भात की ओढ़नी किन महिलाओं द्वारा पहनी जाती है या ओढ़ी जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आरएस में भी पूछा है और कई एग्जामों में पूछा जाता है, तो आपने आंसर सोच लिया होगा जी, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है आदिवासी। दोस्तों केरी भात, ज्वार भात और लहर भात की, ये तीनों प्रकार की जो तीनों चारों प्रकार की जो ओढ़निया है वो आदिवासी महिलाएं ही ओढ़ा करती है। ठीक है, जिसके बाद है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है जी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है जी। इसका आंसर सोच लिया होगा आपने, चलो मैं बता देता हूं, सबसे सस्ता साधन कौन सा है, जल परिवहन। दोस्तों क्या है, सड़क में भी तो सड़क की मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, रेल में भी पटरी की मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, वायु परिवहन में भी रखनी पड़ती है, जबकि जल परिवहन ऐसा है जहां कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जिसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है रुधिर दाब मापने वाला यंत्र कहलाता है। रुधिर दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है जी, इसमें ऑप्शन है बेरोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पिग्नोमोनोमीटर और ईसीजी। दोस्तों इसका सही आंसर जी, बिल्कुल इसका सही आंसर है स्पिग्नो मोनोमीटर। दोस्तों बेरोमीटर तो वायु दाब नापने में आता है, स्टेथोस्कोप डॉक्टर रखते हैं जो किस काम में आता है, धड़कन नापने में, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि हार्ट की वो जो धड़कन नापने में काम आता है, स्पिग्नो मोनोमीटर है जो ब्लड प्रेशर रुधिर का दाब मापने में काम आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हेल नेशनल पार्क कहाँ है। दोस्तों हेली नेशनल पार्क का एक दूसरा नाम भी है, वह आप कमेंट करना कि दूसरा नाम क्या है। यह है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, जिसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों, इसे जनरली दो तीन चीजों के बारे में पूछा जाता है, पारा की कमी से, पारा की जो पारा जल में बढ़ जाए तो उसकी कमी, उसके उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, नाइट्रेट से कौन सा होता है, दो तो दोस्तों इसका सही आंसर तो ऐसे नाइट्रेट है, पारा से होता है मिनिमा था, ठीक है। इसके बाद है विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसके चार ऑप्शन है 8 जून, 2 अक्टूबर, 21 सितंबर, 5 जून। दोस्तों पर्यावरण से ध्यान आया, एक बार क्या हुआ, जब हम पढ़ाई करते थे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो वहां क्वेश्चन आया कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो एक दोस्त ने क्या उत्तर लिखा कि डाबी मंडल को ही वायुमंडल कहते हैं। चलो ये तो पर्यावरण से संबंधित था इसलिए बता दिया, मजाक थी दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 5 जून, जी बिल्कुल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 12 क्वेश्चन है, भीम लतप्रपात किस नदी पर है, इसके ऑप्शन है मांगली, कोठारी, बनास, पार्वती, जी इसका सही आंसर सोच लिया होगा आपने, अब मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये मांगली नदी पर है स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके बाद है अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, इसके जो ऑप्शन है थर्नडाइक, वाटसन, पावलो, स्किनर, जी इसका सही आंसर है पावलो। इसके बाद क्वेश्चन 14 नंबर का है, प्राकृत संख्याओं की कुल संख्या होती है, इसके ऑप्शन है 1, दूसरा है 1 अरब, तीसरा है 10^20, चौथा है अनंत, जी दोस्तों इसका सही आंसर है अनंत। दोस्तों प्राकृत संख्या कौन सी होती है और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है दोस्तों और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो अनंत तक है, लाखों करोड़ों और वो सब ये है ना प्राकृत संख्या है। इसका लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रकृति है, तो इसके ऑप्शन है गुणात्मक, परिणामात्मक, दोनों ही, कोई नहीं, गुणात्मक, जी गुणात्मक तो है बिल्कुल है, और प्रेरणात्मक भी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोनों ही, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी क्यूज देखी, और दोस्तों ऐसी क्यूज पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, ऐसे आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इन सब के आंसर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं या कोई क्वेरी है तो मेरे जो YouTube वीडियो है वह जरूर वॉच करें। एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों।